हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सफ़ेद चावल। तो इसके लिए हमने ये 300 ग्राम बासमती चावल लिए हैं और बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। और ये लगभग 2 लीटर पानी जो हमने भगोने के अंदर डाल लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर इस पानी को अच्छे से पहले उबलने देंगे। ये हमने पानी रख दिया उबलने के लिए। ये अच्छी तरह उबलना चाहिए, उसके बाद में हम इन चावलों को धोकर डालेंगे इसके अंदर। तो ये पानी उबलता है, इतने में हम चावल धो लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा पानी बिल्कुल उबल कर तैयार है। अब हमने जो चावल धोकर रखे थे वो डाल देंगे इसमें। अब इनको थोड़ा मिक्स कर देते हैं। पानी उबलने के बाद ही हमेशा चावल डालने चाहिए, तभी हमारे चावल खिले खिले बनते हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और लगभग 10 मिनट तक इसको पकने देते हैं। उसके बाद में हमारे चावल पककर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। ये देखिए, हमारे चावल पककर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इससे पानी अलग कर लेते हैं छलनी में डालकर। इन चावलों से हमने पानी अलग कर लिया है छलनी में डालकर। ये देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल एक एक चावल अलग अलग हो गए हैं। चावल हमारे घर में अक्सर बनते रहते हैं, शुभ कार्यों में सबसे पहले चावल ही बनते हैं। तो बहुत ही आसान विधि है चावल बनाने की और झटपट बन भी जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी जो भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।